क्या वजह रही? देखिए स्पीड ट्रायल जो हमारे हम लोगों ने क्या है कि एक रेलवे एडवाइजरी हम लोग विज्ञापन जारी किया था, क्योंकि ये सारे जो मीडिया में भी चला था और सोशल मीडिया के द्वारा भी हमने लोगों को जानकारी दी। तो इस तरह की जो बाकियां होती है, क्योंकि अंडर जो जो ट्रैक पासिंग था अनिकित जो अनऑथराइज रूप से उसको जो पास कर रहे थे, तो इसकी वजह से ये बाकियां हुआ। तो इससे पहले क्या है कि रात से ही दूसरी जो ट्रैक पूरी तरह से चालू हो गया है। तो हम लोग और लोगों से ये अपील करते हैं कि जो अनऑथराइज ट्रैक पासिंग वन ना करें और हमारे जो LC गेट है उसका यूज करें, और दूसरी तरह पूरी तरह से सुनिश्चित होने के बाद में ही लेवल क्रॉस गेट पास करें। क्या वहाँ के लोगों को बताया गया था कि इस तरह का ये ट्रायल रन चल रहा है? क्योंकि देखिए मीडियम हमारे पास में जो जो है सोशल मीडिया और जो प्रिंट मीडिया है यही सबसे बड़ा वो है। तो पूरी तरह से हमने सभी में विज्ञापन न्यूज के द्वारा, क्योंकि पूरी तरह से ये चल रहा था, तो ये पूरी तरह से जब रेलवे एडवाइजरी जारी होती है और इसके बावजूद पूरे दिन भर तक ट्रॉली इंस्पेक्शन ब्लॉक लेके पूरा किया गया, तो लोगों को पूरी तरह से इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। इसके बाद में ही और वो पटरी जो पार करना होता है वो गैरकानूनी है, और जो ट्रैक पासिंग है जो अनऑथराइज ट्रैक पासिंग है उसको तो क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रैक पे सिर्फ रेल चलती है और रेल जहाँ पे रहता रेल का रास्ता है वो, तो पूरी तरह से सुनिश्चित होने के बाद में लेवल जो LC गेट है उसका यूज करें, या फिर दूसरा आपके पास में जो भी अंडर पास या ओवर ब्रिज है उसको यूज करना चाहिए। नहीं, इस तरह का हमारे पास नहीं होता, क्योंकि पूरा पूरी तरह से लिखा गया था, क्योंकि जो एडवाइजरी में कि 9 बजे और 9 बजे के बीच, सुबह 9 से और शाम के 9 के बीच जो है पूरी तरह से ट्रैक उसके निरीक्षण होगा, उसके बीच में ट्रायल रन होगा, इसलिए सभी जो जानकारी। कितनी कैजुअल्टी और क्या है ये कैजुअल्टी को देखिए, ये टोटली क्या है कि अभी तो फिलहाल दो जो लड़कियों का रन ओवर हुआ है, तो उसके बाद में फिर रेलवे अथॉरिटी और जो जो भी अथॉरिटी वो डिसाइड। देखिए हमारा यहाँ पे बताने का मतलब ये है, मकसद ये है कि पूरी तरह से जो गेट का LC गेट का इनका ध्यान रखें और ट्रैक पासिंग करते हुए पूरी तरह से सावधानी बरतें, और ये जो चीज़ें होती है हाई स्तर की है, ये जो रेलवे बोर्ड और दूसरी अथॉरिटी डिसाइड।